हाँ जी, सत श्री अकाल जी। मैं पूजा भाटिया पंजाबी साहित्यकार चैनल तो अज तुहाडे अगे एक वीडियो लैके आई हाँ। असी एक सीरीज़ चलाई हुई है महत्वपूर्ण पुस्तक सूची, अज उन्हों ही अगे लैके चल रही हाँ। पार्ट फोर वो लैके आई हाँ। और ये ना सिर्फ मैं गिनती दी तीन या चार बुक्स लिखी हैं और चारों दी चारों इंपॉर्टेंट है। इग्नोर करन दी गल नहीं है, मतलब इन्हों तो फिक्स अपने सामने कितने लिख के रख लो कि लंघते वढ़ते इन्हों पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स ने। और नैक्सट ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जेडे स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते, क्योंकि हले मैं थोड़ा जि ही सिलेबस अगे किया, ज़्यादा सिलेबस हो गया तो कवर करना औखा हो जाएगा। दूजा ऑफलाइन क्लासेस का बैच, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जेडे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कि मैम ऑफलाइन क्लास दो, तो 2 मंथ्स का वो बैच शुरू कर रही हैं। जेडे स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास लगाना चाहते हैं वो मैनू जल्दी तो जल्दी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1 अगस्त तो मैं ऑफलाइन क्लास का बैच शुरू कर रही हूँ। जेडे स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं मैनू वो कर सकते हैं, और सिर्फ 20 स्टूडेंट का बैच शुरू करना, इस तो ज़्यादा नहीं। डे टाइम क्लासेस होंगे क्योंकि शाम वेले मेरिया ऑनलाइन क्लासेस होंगे ने। 13 स्टूडेंट हूँ तक आ चुके हैं, 7 सीटा सिर्फ खाली ने, तो बाद चो ना कही कि मैम असी रह गई, तो जल्दी तो जल्दी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लो। हाँ जी, हूँ नैक्सट ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7717639393। महत्वपूर्ण पुस्तक सूची नंबर 4, इस तो पहलियां 3 जड़ियां तो हाड़े ना ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कंपटीशन एग्जाम के लिए सब तो वध महत्वपूर्ण बुक है, पंजाबी भाषा साहित्य ते सभ्याचार दर्पण, ज्योति शर्मा। ज्योति शर्मा अमृतसर यूनिवर्सिटी विच ने, और इन्हां दियां जिवें वारिशा फाउंडेशन दियां जिहड़ियां बुक्स आंदियां ना, संवाद संवेदना वगैरह, मैनूं ध्यान नहीं है जाते इन्हां ने संवेदना लिखी है जां संवाद लिखे, दोनों चों इक है, और वह भी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। नैक्सट शेख फरीद दा का प्रवचन, ये पुस्तक ही अपने आप च बहुत वधिया और इंपॉर्टेंट है। शेख फरीद की इन्नी डीपली स्टडी की गई है ना जगजीत सिंह जी वालों इस बुक विच, ये पढ़न वाली भी है तो नाम याद रखने वाली भी है। इन्नी डिटेल च स्टडी किसी साहित्यकार ने नहीं की, किसी साहित्यकार ने नहीं अपनी पुस्तक में गल्लां कीतियां होईयां, और रिसर्च वर्क किया होया जो जगजीत सिंह जी ने किया होया। नैक्सट उस तो बाद बुक है पंजाबी सूफी काव्य सिद्धांत ते विश्लेषण, सुखपाल कौर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सुखपाल कौर जी एक नवा नाम है साहित्य जगत में जिन्होंने सूफी काव्य बारे, नवा नाम मतलब कि जिवें साडे माइंड सैट हो चुके होंगे, नहीं किसी ने ना कोई बहुत सियाना बंदा आ जाएगा, नहीं जी सुखपाल कौर जी ने 1999 विच बुक लिखी सी, बहुत पुरानी है, मैनू भी पता है। नवा नाम इन दे टर्म्स कि इन्हां दियां किताबां ते भी स्टडी हो रही है काफ़ी ज़्यादा, हुण ब्रह्म जगदीश जी, गुरचरण सिंह जी, गुलवंत सिंह जी, सानू सारे पता है कि वह सूफी बारे लिखते हैं, ठीक है जी। सुखपाल कौर जी भी काफ़ी फेमस ने क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉलेज हर एक इंसान नू हैगी है, और मैनू अच्छी भी लगती है जदों कोई मैनू कटदा है, बट जदों कोई ईगो भी चाह के कटदा है ना कि हाँ असी मिस्टेक करनी है, वो मैनू बड़े खराब लगते हैं। पर चलो मैं उन्हों का भी वेलकम करती हाँ, तो इदा की गल नहीं है कि नहीं करती, उन्हों का भी वेलकम करती हाँ, पर जायज़ गल हूँ कुछ गल् सिंपल तरीके मैं कर दिनी हाँ, और कई लोग उसनों हेर फेर भी लेंदे, फिर मैंने वो समझानिया पैंदियां बच्चों वाग, नहीं जी ये पॉइंट इदा नहीं इदा है, इस पॉइंट का मीनिंग ये निकलता है, ठीक है जी। थोड़ा जहा जज्बाती ना बनिया करो या जजमेंटल ना बनिया करो। नैक्सट बुक जे कि जिंदगी कभी टाइम लगे तो तुहानू पंजाबी साहित्य नाल प्यार है, सूफी काव्य नाल प्यार है, तो जिंदगी टाइम लगे तो यह बुक मैं परसनली रिकमेंड करती हाँ, जरूर पढ़ना। जो सूफी काव्य की शुरुआत हो रही है और बारे जो सिलसिले चले ने उन्हां दी टोटली हिस्ट्री इस बुक विच। अच्छा एक क्वेश्चन सानू लास्ट टाइम आया सी कि सूफी काव्य दे किन्ने पड़ा हन, तो सानू माइंड फिक्स है 4 पड़ाव, और हाले भी मेरा माइंड फिक्स है 4 पड़ाव, है भी 4 पड़ाव, शरीयत मार्फत तरीकत हकीकत, ठीक है जी। हुण उहदे च आंसर 6 सही किया गया, वह 2 किहड़े सी, फना ते बका, उन्हें जिहड़ी चर्चा है गुरचरण सिंह तलवाड़ा जी करते हैं, जे तुसीं गुरचरण सिंह तलवाड़ा जी नूं पढ़ते हो तो तुहानूं क्लीयर हो जाएगा कि इन्होंने 6 सूफी दे पढ़ा कहे ने। इन्हां दी बुक है सूफी मत विचारधारा विकास ते सिलसिले, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, ये 4 किताबां बहुत इंपॉर्टेंट ने, पढ़न वालियां भी है, टाइम लगा तो जरूर पढ़ियो।
चांसेस भी है कि पेपर च इन्ना चारा चो इको क्वेश्चन जेड़ा है हो भी सकता है। ठीक है, हुण इत्थे मैं सकदा है बोलिया ये ध्यान रख लियो। बाकी ऑफलाइन बैच लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 1 अगस्त तो शुरू है, ऑनलाइन बैच चल रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर है 7716393393। ठीक है जी, खुश रहो, हंसते बसते रहो।